अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में बन रहे हैं दाल चावल मज़ेदार सैलड के साथ। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दाल रेडी करेंगे। दाल बनाने के लिए मैंने एक ग्लास दाल ले ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसके अंदर मैंने साफ पानी डाल दिया। अब इसको एक पैन लेकर दाल ऐड करेंगे। हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, रेड मिर्च हाफ टेबल स्पून और नमक हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा और इसको प्रेशर कुकर के अंदर 10 मिनट्स का दम देंगे। दम ओपन कर दिया, आप देखें दाल कितनी अच्छी से पक भी गई है और नीचे लगी भी नहीं है, बहुत अच्छी सी हो गई है। अब दाल को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। अब दाल को तड़का लगाने के लिए मैंने 1/4 कप ऑयल डाल लिया और इसके अंदर मैंने एक छोटी प्याज डाल के तो इसको गोल्डन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सूखा धनिया लिया हाफ टेबल स्पून, रेड मिर्च ली है हाफ टी स्पून और 5 मैंने ली हैं साबुत गोल मिर्चें। अब प्याज अगर अब आपका इतना गोल्डन हो जाए तो आपने इसके अंदर ये सारे मसाले डाल देने हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और इसी के साथ आपने ब्लेंड की हुई दाल भी शामिल कर देनी है। इस तरह से दाल शामिल की, साथ साथ से हिलाते जाएँ, थोड़ा सा पानी डालें इसके अंदर और अच्छे तरह से इसको मिक्स करें और लास्ट पे इसमें हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला डालें। यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म मज़ेदार सी दाल तैयार है। अब हम चावल तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक गिलास चावल ले लिया है और इन्हें वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इन्हें तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगो देंगे। अब यहाँ पर एक पैन लेके हाफ कप ऑफ ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे और एक प्याज मैंने काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। हम इसको थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। यहाँ पर अब प्याज गोल्डन होना शुरू हो गया है। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया और इसी के साथ मैं 1 ग्लास पानी शामिल कर दूंगी। प्याज जब थोड़ा सा नरम हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर 2 ग्लास पानी और शामिल करेंगे और इन्हें बॉयल आने देंगे। यहाँ पर बॉयल आ गया, अब इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे जो भिगो दिए थे। यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके अंदर भर के 1 टेबलस्पून गरम मसाला शामिल किया मैंने और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। बॉयल आने तक इसको इसका वेट करेंगे और जब इस तरह से बॉयल आने शुरू हो जाएंगे, पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो इसको कवर करके 10 मिनट्स का दम लगा देंगे। अब सैलड तैयार करने के लिए मैंने एक प्याज ले लिया है और इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लेना है। उसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए हैं और इसी तरह से टमाटर को भी चॉप कर लेंगे। कटिंग बहुत फाइन और अच्छी तरह से होनी चाहिए। और अब ये 2 लीमू हैं, इनका मैंने जूस निकाल लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, सूखा पुदीना लिया है मैंने और ये मैंने हाफ टेबल स्पून सूखा पुदीना लिया है और नमक मैंने ले लिया है। तकरीबन आप हंस पे जायका नमक ले लें जितनी आपको ज़रूरत है सैलड में। अब एक बाउल लेंगे और सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज टमाटर मैंने शामिल कर दिया, अब इसके ऊपर मैं लेमन जूस डालूंगी। सूखा पुदीना और नमक शामिल करेंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर दाल चावल तैयार है मज़ेदार सैलड के साथ। और आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।